नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में। इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। सबसे पहली खबर चतरा से, जहां नवरात्रि में महापाप हुआ है। परसौली दुर्गा मंदिर से लौट रही बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया है। दुष्कर्म के बाद दोनों युवक फरार हो गए हैं। बच्ची के पिता ने इटखोरी थाने को सूचना दे दी है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। इटखोरी थाना क्षेत्र के बनथो गाँव की ये घटना बताई जा रही है। हमारे सहयोगी संजय अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या जानकारी इस मामले में? पुलिस की छानबीन कहां तक पहुंची? क्या आरोपियों की शिनाख्त हो पाई है? संजय, आवाज मिल रही है आपको? लगता है संजय तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा संपर्क करने की। चतरा की यह घटना, जहां एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है दो युवकों ने। फिलहाल दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बच्ची के पिता ने इटखोरी थाने को इसकी सूचना दे दी है और पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। ये दुर्गा पूजा के दौरान मंदिर से बच्ची लौट रही थी, उसी दौरान बच्ची को अगवा कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया आरोपियों ने। फिलहाल दोनों युवक फरार बताए जा रहे हैं। परसौली के दुर्गा मंदिर ये बच्ची गई हुई थी नवरात्रि में, महापाप की ये खबरें, और दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं। सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। संजय, क्या आगे पुलिस छानबीन में कोई सफलता पुलिस को हाथ लगी है? आरोपी की शिनाख्त हो पाई है? पहुंच पाई है आरोपियों तक पुलिस? देखिए, ये मामला इटखोरी थाना क्षेत्र के परसौली गांव का है। परसौली गांव में अभी दुर्गा पूजा चल रहा है और लोग जो है शाम के वक्त जो है मंदिर में जा करके जो है पंडाल में जा करके दीपक का जला करके महाआरती करते हैं। और इसी दौरान जो है परसौली गांव की जो बंटू गांव की जो युवती थी वो गई थी पंडाल में पूजा करने के लिए। वहाँ से करीब उनके घर से आधा किलोमीटर दूर पड़ता है। जाने के उपरांत तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लौटने के क्रम में जो है मोटरसाइकिल से दो युवक जो सवार होकर के आए और वो लड़की को परसौली पुल के पास से उठा करके और अपने साथ ले गए। और वहां से ले जाने के बाद जो खेत है उसके बगल में उसके साथ उन्होंने दुष्कर्म किया। और उसके बाद जो है वहां जो उनके साथ जो एक बच्चा थी लड़की के साथ में उसके साथ भी मारपीट किया और वो दुष्कर्म करने के बाद फरार हो गई है। इसकी सूचना जो है थाने को उसके पिता ने दिया और थाना जो है वो घटना स्थल पहुंच करके उनके परिवार को अपने साथ थाना ले आई है। और उसके बाद अब पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन कोई भी मीडिया के साथ उनके परिवार को या उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने अभी मीडिया को पूरी तरह से रोक लगा दिया गया, उनसे मिलने और जुलने भी नहीं दिया जा रहा, ना पुलिस का अभी तक कोई बयान आया है। लेकिन ये दुष्कर्म का मामला जो आया है सामने, उसमें दो लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है संदेह के आधार पर और उन लोग से पूछताछ जारी है। शुक्रिया संजय, इस तमाम जानकारी के लिए।